अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी में 17 वीक्स गुजर चुके हुए हैं। अब हम 18 वीक्स पे पहुंच चुके हैं, यानी 4 महीने कंप्लीट हो चुके हुए हैं और 5वां महीना शुरू हो चुका हुआ है। ये जो 18 टू 20 वीक्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन एनोमली स्कैन होता है, जिसमें बच्चे की बनावटी साख्त के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाता है। तो हम इस 18 वीक में देखेंगे कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, बेबी में क्या चेंजेस आती हैं, हमने इस हफ्ते किस तरीके से अपना ख्याल रखना है और वुड बी फादर ने किस तरीके से आपका ख्याल रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 18 वीक्स में बच्चे की नशोनुमा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है। जो ख्वातीन पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको ये मूवमेंट 18 से 20 हफ्ते में पता चलती है, और जिनकी ये प्रेगनेंसी सेकेंड या थर्ड टाइम है, उनको ये मूवमेंट जो है ना 16 से 18 हफ्ते में पता चलती है। आपको जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इस ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर पानी की मकदार भी ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो आपकी टांगी हैं या पैर हैं वो स्वेल करना शुरू कर देती हैं। तो 50% खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी इस हफ्ते के बाद से जो है ना टांगे फूलना शुरू हो जाती हैं, स्वेल होना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये टांगे ज़्यादा स्वेल करना शुरू हो जाए और बहुत तेज़ी रफ्तार से शुरू हो जाए, तो आपने डॉक्टर की तरफ ज़रूर रजू करवाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती और वो अंडरलाइंग होती हैं, और प्रेगनेंसी में ही उन चीज़ का पता चलता है। इसीलिए जो है ना डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए ताकि उन बीमारियों का पता चल सके। जैसे कि अगर कोई हार्ट का मसला है जो कि आज तक हमें नहीं पता चल सका, और उसमें भी टांगी जो है ना स्वेल होना शुरू हो जाती है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है पैरों में और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है। अगर किसी को किडनी की डिज़ीज़ है तो उसमें भी यही मसला होता है और वो किडनी फेलियर की तरफ जाता है। अगर किसी के अंदर खून की कमी है और उसकी वजह से प्रोटीन की भी कमी है, यानी अनीमिया भी है और हाइपरप्रोटीनीमिया भी है, तो उसमें भी चीज़ टांगे बहुत तेज़ी से फूलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग थायराइड के प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, जिनको गिलर का मसला होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी यही मसला होता है। इसीलिए फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है ताकि वो इसकी ट्रीटमेंट और इसका इलाज कर सके। दो और चीज़ें भी हैं जिनमें जो है ना टांगों में जो है ना क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दूसरा जो है ना विटामिन ई की डिफिशेंसी। इनमें भी लिम्स में क्रैम्प्स ज़्यादा पड़ते हैं और पैरों में अकड़ाव होता है, तो आपने ये भी ज़रूर जो है ना डॉक्टर से रजू करना है ताकि वो इस चीज़ को देख सकें। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके बेबी में क्या चेंजेस आना शुरू हो गए। आपका बेबी 6.25 इंच का हो चुका हुआ है, उसका वेट 150 to 180 ग्राम हो चुका हुआ है, उसकी ब्रेन और नर्व की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, नर्व टू नर्व कनेक्शन बहुत तेज़ी से हो गया, उसके सेंसेस बहुत तेज़ हो गए हैं, यानी जो उसके सेंसेस हैं देखने के, सुनने के, टच करने के, स्मेल करने के, वो ये सब कुछ आप कर सकता है, और इसी वजह से उसकी मूवमेंट भी बहुत तेज़ हो रही है। यानी बेबी जो माँ के अंदर है एक थैली में, जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड है, वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि उस स्विमिंग पूल में वो डांस करना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस वीक में अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपना एनोमली स्कैन करवाना है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको बता सके कि एनोमली स्कैन क्या होता है। एनोमली स्कैन में बच्चे के सर से लेकर पैर तक एक एक फीचर स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसकी पूरी बनावटी साख के बारे में जाँच पड़ताल की जाती है, कि उसके फेस के फीचर्स देखे जाते हैं कि चेहरे में कोई मसला तो नहीं है, कोई क्लेफ्ट पैलेट या कोई क्लेफ्ट लिप्ट वगैरह तो नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक किया जाता है कि उसमें कोई फोड़ा वगैरह इस तो नहीं है, हार्ट के चारों चैम्बर्स को चेक किया जाता है, किडनी, ब्लैडर, गुर्दे, ये सब कुछ चेक किया जाता है, पैर तक कि कहीं उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, और उसके इर्द गिर्द का पानी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है तो आप प्रेगनेंसी को आगे अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं।
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट और आई की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी उनको जो है ना ओमेगा 3 हो गया या कॉड लीवर के सप्लीमेंट्स दिए जाएँ ताकि उनकी ये नशोनुमा बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो गया है तो उस वज़न के बढ़ने की वजह से पास टाइम बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर आपका एक प्रोसीजर करेगी जिसको हम मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं। उस प्रोसीजर के तहत बच्चेदानी के मुँह के आगे एक स्टिच लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि प्रेगनेंसी ज़ाय नहीं होती और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, वरना बच्चा जो है ना ज़ाय होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैकडोनल्ड स्टिच जो है ना इसी वीक में ही हम रिकमेंड करते हैं, एक स्कैन करवा के जिसमें हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल ओपनिंग या सर्वाइकल लेंथ जो है ना कितनी कम हो गई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम आपसे बात करेंगे कि अब आपके हस्बैंड ने आपका किस तरीके से ख्याल रखना है। वो इस तरीके से है कि अगर हस्बैंड्स के लिए कि अगर आपकी मिसेज आपको ये कह रही हैं कि जिसके बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बल्कि उन्हें भी रिलैक्स करवाएं कि बास टाइम जो है ना प्रेगनेंसी में जो फीटल मूवमेंट जिसको हम पहली दफ़ा फील होता है क्विकनिंग कहते हैं वो लेट भी हो जाती है क्योंकि बास टाइम एब्डोमेन की टोन इस तरीके से अच्छी होती है मसल की कि लेट जो है ना क्विकनिंग फील होती है तो ये 22 वीक्स तक भी जा सकती है, इसीलिए रिलैक्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है ना एनोमली स्कैन के टाइम अल्ट्रासाउंड रूम में आप भी मौजूद रहें ताकि आप देख सकें अल्ट्रासाउंड मशीन में कि आपका बेबी किस तरीके से जो है ना उसके क्या बॉडी पार्ट्स हैं और वो किस तरीके से माँ के पेट के अंदर मूव कर रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।